हाय, मैं हूं शुभायन चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं रेफ स्पोर्ट्स और एक बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीसीसीआई हैज सैक्ड द एंटायर सीनियर सिलेक्शन कमेटी। बीसीसीआई ने चारों के चारों सिलेक्टर्स इंक्लूडिंग चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा, चारों के चारों को सैक कर दिया है। पूरा सिलेक्शन कमेटी डिसबैंड कर दिया है सबके सब सैक करके, और फ्रेश इनविटेशन, फ्रेश एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया है इस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने दावेदारी पेश करने के लिए। चार सिलेक्टर्स कौन थे? चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर, हरविंदर सिंह, देवाशीष मोहंती और सुनील जोशी। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप, जो कि अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, उस परफॉर्मेंस को देखते हुए चारों के चारों सिलेक्टर्स को सैक कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी लास्ट ईयर भी अगर हम देखें 2021 में, जिस हिसाब से इंडियन टीम का प्रदर्शन था, ग्रुप स्टेज में ही एग्जिट हो गई थी, सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। काफी सवाल उठाए गए थे सिलेक्शन पैनल पे कि हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर। पिछले वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि यूएई में खेला गया था। चेतन शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेंगे, बट फिर अल्टीमेटली वो बॉलिंग नहीं कर पाए, एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेले। उनके फिटनेस को लेकर काफी सवाल थे। वरुण चक्रवर्ती के इंक्लूजन, उनके फिटनेस को लेकर भी काफी सवाल थे पिछले पिछले T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन एक स्टेप बेटर हुआ, सेमीफाइनल्स तक गई थी, बट जिस हिसाब से टीम इंडिया का एक ह्यूमिलिएटिंग एग्जिट था सेमीफाइनल में, 10 विकेट की थ्रैशिंग इंग्लैंड के हाथों, वो बीसीसीआई हजम नहीं कर पाई। और उसके ही चलते चारों के चारों सिलेक्टर्स को, इंक्लूडिंग चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा को, सैक कर दिया है। साथ ही साथ बीसीसीआई ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया है, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी जारी कर दिया है। दे हैव इन्वाइटेड फ्रेश एप्लीकेशंस फॉर द पोजिशन ऑफ नेशनल सिलेक्टर्स। थोड़े बहुत क्राइटेरिया है, मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ आपको। तो 5 पोजीशंस अभी खाली हो गई है। वेस्ट जोन का जो पोस्ट था सिलेक्शन कमेटी में, वो काफ़ी टाइम से खाली जा रहा था। तो इन टोटल 5 सिलेक्टर्स नेशनल सिलेक्टर्स का पोस्ट अभी खाली है। शुड हैव प्लेड अ मिनिमम ऑफ 7 टेस्ट मैचेस और 30 फर्स्ट क्लास मैचेस और 10 ODIs एंड 20 फर्स्ट क्लास गेम्स। ये है एक बेसिक क्राइटेरिया फॉर फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स हु वांट टू पोस्ट देयर नेम्स फॉर द नेशनल सिलेक्शन कमेटी। शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम द गेम एटलीस्ट 5 ईयर्स अगो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसको लेकर। और एक और क्राइटेरिया है, नो पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर ऑफ एनी क्रिकेट कमेटी फॉर अ टोटल ऑफ 5 ईयर्स शैल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ मेन सिलेक्शन कमेटी। सो ये बेसिक क्राइटेरिया है, और ये एप्लीकेशन डालने का लास्ट डेडलाइन है November 28, 2022। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट आज की ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी न्यूज है इंडियन क्रिकेट सिनेरियो में, की पूरी सिलेक्शन कमेटी को सैक कर दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। तो ये है एक मेजर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या बीसीसीआई सही है, क्या सिलेक्शन कमेटी को, पूरे सिलेक्शन कमेटी को सैक कर देना चाहिए था। आपकी क्या राय है इस सिलेक्शन कमेटी को लेकर, जिस हिसाब से उनका प्रदर्शन रहा है? इंडिया ने बायलैटरल सीरीज में हमेशा से अच्छा किया है, सो वो एक हम परफॉर्मेंस बेसिस में हम नहीं पकड़ सकते। बट एट द सेम टाइम इंडिया ने इंग्लैंड में जो एक मतलब जीती हुई सीरीज थी उसको ड्रॉ किया, साउथ अफ्रीका में भी आप लीड लेने के बाद आप वो सीरीज नहीं जीत पाए। तो वो सब चीजें जो एक मार्की सीरीज में जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट करें, वो नहीं हो पाया था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में। और स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में कोई भी प्राइज नहीं आया इंडिया के हाथों। तो सिलेक्शन कमेटी अब सैक हो गई है। अपने कमेंट्स लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में, और रेफ स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।